अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर और आप से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक, जिस क्वेश्चन में हमें कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पर्ल, कहते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, कहां पर जो डायमीटर होगा सर्कल का उनके एंड्स पर। मान लेते हैं अगर हम ऐसे ये हमारा सर्कल है, ठीक सर्कल, इसकी जो डायमीटर है मानते हैं कि ये इसकी डायमीटर है, ठीक डायमीटर ऑफ सर्कल, कहते हैं कि इसके जो डायमीटर के एंड्स है वहां पर हमें टेंजेंट्स बनाने हैं, यानी कि एक साइड ये है दूसरा ये, नाम रखते हैं मान कि ए है एंड बी, इन्हीं पर हम क्या बनाएंगे टेंजेंट्स, और हमें बताना है कि वो जो टेंजेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे ऐसे हम टेंजेंट्स दो, क्योंकि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने कहा टेंजेंट हम उसको कहते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारे दो टेंजेंट्स हैं। अब हमें क्या कर लेना है, ठीक हमें क्या कर लेना है कि हमें दिखाना है कि ये कैसे इससे पैरेलल है। नाम रखते इसके कुछ, मान लीजिए पी है क्यू आर एन एस, ठीक पी क्यू आर एस, जैसे कि सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्टली हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल, सबसे पहले हमने ड्रॉ क्या किया इसमें सर्कल किया, ठीक एंड कनेक्टेड टू पॉइंट्स, और उसके बाद हमने टू पॉइंट्स कनेक्ट किए एंड कनेक्टेड टू पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट हमने कनेक्ट किया था ए एंड बी, जब हमने डायमीटर दिया था ए एंड बी, कनेक्ट करने के बाद हमने दो पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी मानते हैं सच दैट ए बी हमारा जो ये ए बी है, ठीक है ना, बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जैसे इससे पहले मैंने कहा कि ये सर्कल का डायमीटर है। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, नाउ ड्रॉ टू टेंजेंट्स, उसके बाद हमने ड्रॉ किए टू टेंजेंट्स, नाउ ड्रॉ टू टेंजेंट्स, कौन कौन सी, जिनका हमने नाम दिया पी क्यू एंड आर एस, ये हमारे टू टेंजेंट्स हमारे सर्कल के है एट पॉइंट्स ए एंड बी, एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, यानी कि पी क्यू पॉइंट ए पर एंड आर एस पॉइंट बी पर रेस्पेक्टिवली, ऐसे हमने टू टेंजेंट्स पे ड्रॉ किए। Now, क्या कहते हैं कि बोथ रेडी दैट इज इनका जो रेडियस है, नाउ बोथ
रेडी दैट इज, इनका जो रेडियस आ जाता है इन दोनों का वो क्या आ जाता है, इन दोनों का रेडियस एओ एंड ओबी, एओ एंड ओबी, ठीक है, ये दो रेडियस एओ एंड ओबी, एओ एंड ओबी आर, ये दोनों अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, एओ एंड ओबी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, ये परपेंडिकुलर है किनके, टेंजेंट से, अगर हम देखें हमारा एओ इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ओबी ये इस टेंजेंट जो आर एस टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है जिसके हमारे रेडियसेस, ठीक है ना, किसी पे टच करते हैं वो वहां पर 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल देखा जाए, ये यहां से 90 डिग्री बनाएगा, ये यहां से इस तरीके से, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री से बन जाएगा, ठीक, तो ये 90 डिग्री बनाते हैं, सो ओबी इज परपेंडिकुलर टू, सो हमारा ओबी जो है, ओबी इज परपेंडिकुलर टू, किस पे ओबी हमारा परपेंडिकुलर है, आर एस पे, आर एस, एंड हमारा जो दूसरा एओ है इज परपेंडिकुलर टू, दूसरा एओ है, एओ इज परपेंडिकुलर टू, अब जो हमारा एओ है, ठीक है ना, एओ ये किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यही पे लिखते हैं, पी क्यू हमारे पे परपेंडिकुलर है, सो हम कह सकते हैं इसमें, सो क्या कह सकते हैं, हमारा जो एंगल ओ ए पी है, हमारा एंगल ओ ए पी, एक तो ये एंगल, ठीक है ना, एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ ए क्यू के, एंगल ओ ए क्यू के बराबर है एंगल ओ बी आर के, एंगल ओ बी आर के बराबर है एंगल ओ बी एस के, ओ बी एस के, और ये सब जो है हर कोई 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, पहले मैंने आपसे कहा कि जो कोई लाइन इस तरीके से सर्कल पे टच करती है, ठीक, तो वो वहां पर क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल, जैसे कि यहां पर मैंने देखा ये भी 90, ये भी 90, चारों जो है 90 डिग्री ईच बनाता है, सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा कि ये एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इस हिसाब से फ्रॉम द फिगर, अगर आप फिगर को नजर डालेंगे, फ्रॉम द फिगर, फिगर की ओर अगर हम, उसमें जो हमारा एंगल है, एंगल्स, एंगल्स ओ बी आर, जैसे कि एंगल्स ओ बी आर एंड, एक तो हमारा ओ बी आर और जो दूसरा हमारा एंगल इसमें आता है ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, हमारा ओ बी आर, ओ ए क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये दो आपस में, सो ऑल्सो अगर हम इसमें देखेंगे, इससे जाहिर क्या ओ बी आर, जो हमारा एंगल ओ बी आर है, एंगल ओ बी आर और हमारा ओ ए क्यू, और जो हमारा एंगल ये बराबर है एंगल ओ ए क्यू, जिसे अभी मैं कह रहा था ओ बी आर, ओ ए क्यू ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं एंगल ओ बी आर बराबर है ओ क्यू के, एंड हमारा जो एंगल इसमें है
OAP, एंगल OAP बराबर है एंगल OBS के, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये भी alternate interior angles है, since they are also since they are also alternate interior angles, ठीक है ना, ये भी क्या है alternate interior angles। तो यहां पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सो इट कैन बी सेड, तो इसमें कहा जा सकता है क्या, इट कैन बी सेड दैट लाइन्स पी क्यू, दैट लाइन पी क्यू एंड द लाइन आर एस, ये जो पी क्यू एंड द लाइन आर एस है will be parallel, ये जो दोनों है आपस में parallel है to each other, इस तरीके से हमने प्रूव किया, hence proof हो गया, हाँ हमारे जो PQ है ये आर एस से पैरेलल है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में कहा था कि आप कीजिए काम, आप डायमीटर डालिए और उन्हीं के एंड्स पे टैंजेंट्स बनाइए, टैंजेंट्स बनाए और उन्हीं टैंजेंट्स को हमें दिखाना था कि किस तरीके से पैरेलल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।